हेलो एवरीवन, अमित अरोरा फ्रॉम इको विजनर। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड फेडरलिज्म पार्ट वन, इन विच वी डिड द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। हमने फीचर्स किए थे उसमें। वी ऑल्सो स्पोक अबाउट कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड हाउ दिस हाउ वॉट मेक्स इंडिया अ फेडरल नेशन विद यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट रिस्पेक्टिवली, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अस अ फेडरल स्टेट। Today we'll be covering the remaining part of the chapter with how is federalism actually practiced in India, including linguistic states, language policy, and center-state relations. ये clear कर देगा कि India practice भी करती है federalism, not only in books but in real practice also. And lastly, we'll be doing decentralization in India, जिसमें हम लोग बात करेंगे third level of government की, जिसको हम local government कहते हैं। गांव में पंचायती राज आप कहते हैं और शहरों में हम उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज कहते हैं टाउन्स में। सो दैट वे एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज नोन एज लोकल लेवल। सो दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सो पावर हमारी लोएस्ट लेवल तक डिवाइडेड है। तो इंडिया में फेडरलिज्म लोएस्ट लेवल तक प्रैक्टिस होती है। तो सेकेंड लेवल के हिसाब से हम थर्ड लेवल, सेकेंड लेवल के साथ साथ हम थर्ड लेवल भी पढ़ेंगे अपने लास्ट टॉपिक में। Before we start how federalism is practiced in India, let us see the map in 1947. There were not many states in India. अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर कश्मीर था, पंजाब एक स्टेट है, कहीं पर भी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा नहीं है, राजपूताना एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, बॉम्बे एक बहुत बड़ी स्टेट है, महाराष्ट्र कोई स्टेट नहीं है, हैदराबाद एक बहुत बड़ी स्टेट है इन दिस एरिया, देन वी हैव सेंट्रल प्रोविंस, नो मध्य प्रदेश देयर, वी हैव बिहार, वी हैव यूनाइटेड प्रोविंसेस, एंड इन द ईस्टर्न साइड इफ वी सी वी डोंट हैव दो सेवन सिस्टर्स, वी जस्ट हैव असम एज द मेजर स्टेट। तो इसका मतलब है सारी स्टेट्स हमारी बाद में बनी है। तो वेरी फ्यू स्टेट्स वी हैव इंडिया प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। मैसूर वॉज अ बिग स्टेट इन Southern India, and then we had Travancore and a big state Madras in the south, जो काफ़ी एरिया कवर करती थी। हैदराबाद और मद्रास बहुत बड़ा एरिया कवर करते थे, एंड वी ऑल्सो हैड ओडिशा। सो वी हैड दीज फ्यू स्टेट्स इन 1947, एंड इफ यू कंपेयर दिस मैप विथ टूडेज मैप, देन यू कैन सी दिस इज द करंट इंडियाज मैप, वेरी वेल मेड। अब देखें तो स्टेट्स प्रॉपरली डिवाइडेड हैं, विद महाराष्ट्र गुजरात सेपरेटेड एंड बॉम्बे बिकमिंग महाराष्ट्र, देन वी हैड कर्नाटका, वी हैव गोवा, वी हैव केरला, तमिलनाडु, मैसूर की जगह आई है साउथ में, हैदराबाद की जगह नई स्टेट्स हैं, आंध्रा विद द फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, फिर आंध्रा से तेलंगाना, वी हैव छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश जो सेंट्रल प्रोविंस था, बिहार से झारखंड, यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश बना, उत्तर प्रदेश से फिर उत्तराखंड बना, पंजाब जो बहुत बड़ी स्टेट थी वो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी डिवाइड हुआ, और असम देखिए आप ऑन द ईस्टर्न साइड वो भी बहुत सारी सिक्स में अलग स्टेट्स में डिवाइड हुआ। सो उसमें मेघालय आ गया, अरुणाचल प्रदेश बन गया, देन नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम इनमें से प्रिंसली स्टेट्स हैं हमारे पास, और कुछ और नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जो हमें बनी हैं, दैट इज दिस इज 2020। सो सी द डिफरेंस बिटवीन द टू मैप्स, एंड दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस्ड फेडरलिज्म। हमने हर लैंग्वेज को के बेस पे इम्पोर्टेंस दी स्टेट्स को, और लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई हमारे देश में। 50s में इनिशियली स्टार्ट हुआ था विद आंध्र प्रदेश एज द फर्स्ट स्टेट। सो दिस लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो हमारा कंसेप्ट है, जिसने फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग किया। इन 47 द बाउंड्रीज ऑफ सेवर ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिव्ड इन द सेम स्टेट। सम स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, जहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं हो पाया वहाँ ज्योग्राफी और कल्चर के बेस पे किया गया, जैसे कि स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, झारखंड एंड नागालैंड। सो वेन द डिमांड एक्चुअली स्टार्टिंग में जब ये डिमांड आई थी कि हमें अलग
सेपरेट स्टेट बनानी है, तो हमारे लीडर्स को बहुत फियर हुआ था कि कहीं देश के टुकड़े ना हो जाएं और डिवाइड ना हो जाए। पर एक्सपीरियंस अच्छा शो हुआ, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने से लोगों को पावर शेयरिंग की फीलिंग आई कि उनकी भी पावर है, फेडरलिज्म की फीलिंग आई उनमें कि पावर उनके पास भी है और वो अपने आप को खुद गवर्न भी कर सकते हैं। तो इनफैक्ट वो देश को तोड़ने का काम नहीं हुआ, इट मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड ऑल्सो इट मेड द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इजी। सो दो फायदे हो गए, एक एडमिन करना छोटे एरियाज को बहुत ईजी हो गया एंड सेकेंड द कंट्री फेल्ट मोर यूनाइटेड एज वी वर शेयरिंग द पावर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है फेडरलिज्म का जो एक्चुअल प्रैक्टिस में आता है, दैट इज आर लैंग्वेज पॉलिसी। ऑल दो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस। तो दूसरी लैंग्वेजेस को भी इंपॉर्टेंस दी गई, हमने कोई भी लैंग्वेज को, ऑल दो वी हैव हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट वी हैव मातृभाषा, बट वी हैव नॉट गिवन एनी एनी नेशनल लैंग्वेज, हमने किसी पे नेशनल लैंग्वेज इम्पोज नहीं की गई है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। सो देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट द अदर लैंग्वेजेस। हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस इनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया गया, 21 की सब लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दी जाए जो इंग्लिश जो हिंदी नहीं भी बोलते। सो 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई। इमेजिन कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके पास हिंदी इंग्लिश के अलावा उनके पास और लैंग्वेजेस के भी ऑप्शन हैं, 21 अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज में वो बच्चा एग्जाम दे सकता है। सो ही विल नॉट फील बैड दैट ही इज नॉट एबल टू कॉम्पीट विद अदर पीपल इन इंडिया, जिनको हिंदी आती है और जिनको हिंदी नहीं आती उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। जस्ट लाइक श्रीलंका, श्रीलंका ने सिन्हाला को लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी एंड आर लीडर्स वर वेरी वेरी कॉशियस। थोड़े सी प्रोटेस्ट हुआ था तमिलनाडु में रिगार्डिंग दिस, टुडे ऑल्सो दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो, द लोकल लैंग्वेज हैज बिन गिवन इंपॉर्टेंस। 8 तक कोई बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज के मीडियम में पढ़ाई कर सकता है। सो मेनी नॉन हिंदी स्टेट दैट टाइम ऑल्सो वॉन्टेड इंग्लिश टू बी कंटिन्यूड। तमिलनाडु में वायलेंट हो गया था मूवमेंट, तो पर स्टिल इंडिया मैनेज्ड क्वाइट वेल और स्टेट की लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दी गई एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी को बहुत कॉशियसली प्रैक्टिस किया गया। और इधर इंडिया को, इंडिया में हिंदी प्रमोट करने का मतलब ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी किसी पे इम्पोज कर रही है, जो स्टेट दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि कोई सिचुएशन ऐसी ना पैदा हो जैसे श्रीलंका में पैदा हुई थी। तो कोई भी लैंग्वेज इंडिया में किसी भी स्टेट के ऊपर इम्पोज नहीं की जाती है, दे कैन यूज देयर ओन लैंग्वेज। थर्ड इज द प्रैक्टिस में जो होता है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है जो फेडरलिज्म को स्ट्रांग बनाता है। 90 से पहले वो इतना स्ट्रांग नहीं था क्योंकि एक ही पार्टी की मेजॉरिटी थी सेंटर में, दैट वाज मोर ऑफ कांग्रेस एट द सेंटर एंड तो सेंटर स्टेट में जब सेम गवर्नमेंट होती है तो उसमें कुछ खास स्टेट गवर्नमेंट कुछ खास अपना एक्सरसाइज नहीं कर पाती अपनी राइट को। धीरे धीरे जब स्टेट लेवल की गवर्नमेंट डिफरेंट होनी शुरू हुई तब भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि 70s में ऐसा हुआ, बीच में 67 में भी ऐसा हुआ, कांग्रेस बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हार गई, तो सेंटर को स्टेट पे डिपेंड होना पड़ा, स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होना पड़ा। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज करती थी अपनी पावर्स को और जो उनकी राइवल पार्टीज थी उनकी गवर्नमेंट थी उनका शेयर कम होता था, उनका फाइनेंस रोक दिया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था। एक कार्टून बहुत अच्छा हमारी बुक में है वेयर इंदिरा गांधी इज सीन डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर ऑफ द स्टेट, जहाँ पे स्टेट्स को प्लीड करना पड़ता था, जैसे बंगाल बिहार जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, केरला जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, तो वहाँ वो इंदिरा गांधी से भीख मांगते थे कि हमें, और तब अच्छा व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं किया जाता, व्यवहार अच्छी तरह से उनको उनका शेयर नहीं दिया था। पर जैसे ही सब कुछ चेंज हुआ आफ्टर 1990s में चेंज आया, इधर रीजनल पार्टीज की कुछ वैल्यू बढ़ी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आगे आईं और दिस वाज द एरा ऑफ कोएलिशन। अब यहाँ पे सेंटर स्टेट के रिलेशंस बिल्कुल ठीक होना शुरू हुए
और स्टेट पार्टीज को भी इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हुई, क्योंकि उनको डर था कि कल को ये सेंटर में हमें सपोर्ट नहीं करेंगे जब हमारे को सीट चाहिए होंगी मेजोरिटी साबित करने के लिए। इमेजिन करो कि आपकी पार्टी को शॉर्ट हो गई, कुछ सीट शॉर्ट पड़ गई आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सेंटर में, तो लोकसभा के इलेक्शन में आपको जरूरत पड़ गई। इमेजिन जैसे कि एक टाइम पे कांग्रेस को अराउंड 140 सीट्स मिली और उनको शॉर्ट पड़ गई, तो अब क्या हुआ, अब स्टेट पार्टीज बीच में रोल प्ले करने लगे, बिकॉज दे हैड टू हैड, जैसे वाजपेयी जी का भी हुआ था, उनको अलायंस करना पड़ा विद द स्टेट पार्टीज। अब वहां पे इधर आपको अच्छा बिहेव करना ही पड़ेगा, बिकॉज टुमारो यू आपको जब मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो आपको स्टेट पार्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, तो फेडरलिज्म रियलिटी में प्रैक्टिस होने लगा, और उनको फिर उनकी डिमांड्स, तो फिर स्टेट पार्टी डिमांड करने लगी सेंटर जो पावर में थी कि हमारी स्टेट के लिए कुछ कीजिए, हमारा भी शेयर बढ़ाइए। तो वहां पे ये रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हुई, और ये एग्जाम्पल है कि रियली फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया गया। तो कांग्रेस मिसबिहेव नहीं कर सकती थी विद द से लालू प्रसाद की पार्टी हो, चाहे कोई रीजनल पार्टी हो लाइक डीएमके और एआईडीएमके। एआईडीएमके वाज सपोर्टिंग मिस्टर वाजपेयी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। तो अब क्योंकि ये देखिए आपको बड़ा सा कार्टून है, कोलिशन गवर्नमेंट, वो नीचे जयललिता की फोटो है, इवन वंस ममता बनर्जी सपोर्टेड, नायडू जी सपोर्टेड। तो अब जब वो गवर्नमेंट किसी की सपोर्ट से बनी है तो कभी भी वो सपोर्ट खींच सकते हैं। तो अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में थोड़े से रिलेशंस और इम्प्रूव हुए, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अकेले की अपनी नहीं चला पाया, सो दैट वे मोर पावर वॉज गिवन टू फेडरल स्ट्रक्चर, और यू कैन से द फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टूडे बिकॉज ऑफ दीज कोलिशन गवर्नमेंट्स। तो इस तरह से इन तीन तरीकों से हम लोग बता सकते हैं कि दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस फेडरलिज्म इन इंडिया। ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है, पर ऑन द ग्राउंड इस तरीके से उसको प्रैक्टिस किया जाता है। एंड यू कैन सी द बड़ा अच्छा टेबल है हमारे पास, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है इंडिया की, इनमें से किसी भी लैंग्वेज में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। 44% के आसपास पूरे इंडिया में हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है। देन वी हैव बंगाली 8.2, 8.03 बंगाली स्पीकिंग काफ़ी हैं हमारे पास। तेलुगु और तमिल मिला के 12% से ऊपर है, एंड देन उर्दू इज 4, मराठी इज ऑल्सो 6.86%, गुजराती इज 4.58। सो वी हैव डिफरेंट पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू ईच एंड एवरी लैंग्वेज, द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। एज आई टोल्ड यू बिफोर, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट्स, जब हम लोकल गवर्नमेंट को पावर देते हैं, सो दैट हेयर वी कॉल इट एज डिसेंट्रलाइजेशन। लोएस्ट लेवल तक जब पावर डिवाइड होती है, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो टू टायर, और टू टायर में इतनी बड़ी कंट्री को हम लोग नहीं एडमिन कर पाते, तो एडमिन के लिए आगे, और तो बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए हमारी बुक में, द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। तो हमारी स्टेट्स इंटरनली भी बहुत डाइवर्स हैं, सो इंडियंस इंडियन को दे थॉट दैट आगे इसको और डिवाइड करना चाहिए, सो इसीलिए डिसेंट्रलाइज किया गया इंडिया को, और पीपल हु आर लिविंग इन द सेम लोकेलिटी हैव बेटर नॉलेज अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो एक सरपंच को ज़्यादा पता है गांव के बारे में जो गांव में रहता है, तो पावर डिवाइड की गई लोएस्ट लेवल तक, उस गवर्नमेंट को बोला गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट वॉज टर्म्ड एज सोशल योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो वहां के लोगों के बारे में जानती। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही, बहुत बार अटेम्प्ट किए गए पावर देने के लिए लोअर लोकल गवर्नमेंट को। विलेजेस और म्यूनिसपैलिटी वर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स, बट दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शन भी नहीं होते थे रेगुलरली, तो बस पेपर्स पे ज्यादा वर्क था। तो फिर एक मेजर स्टेप लिया गया 1992 में, दैट वॉज अ मेजर स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर 1992,
वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड किया गया टू मेक थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो यहां पे आके ऑफिशियली आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और उसको एक्ट को पास करके आपने बनाया कि क्या किया जाएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई किया, उसको ठीक से कि अब मैंडेटरी किया गया, उसके रूल्स चेंज किए। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस ऑफ द लोकल। तो जैसे 5 साल में स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस होंगे। उसमें सीट रिजर्व करी गई थी एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, सीट रिजर्व है कि वो ही खड़े हो सकते हैं वहां पे। 1/3 सीट रिजर्व की गई है वेमेन के लिए, सो ओनली वेमेन कैन स्टैंड दो और कॉन्टेस्ट थ्रू दो सीट्स। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन जो क्रिएट किया गया टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। तो स्पेशल स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के करेक्ट इलेक्शंस। हम इसको अपनी दिल्ली में या नोएडा में या इसमें हम लोग उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, छोटे टाउन में म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, गांव में हम पंचायत कहते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर, यस स्टेट गवर्नमेंट हैज टू शेयर सम पावर एंड पैसे भी रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। तो ये कंपल्सरी बना दिया गया। हर विलेज और ग्रुप में पंचायत बनाई गई, एक काउंसिल बनाया गया जिनको पंच 5 लोगों का एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन। जैसे इलेक्शन होते हैं लिविंग इन दी बॉर्डर विलेज, डिसीजन मेकिंग सारे गांव की होती है। और ये वर्क करता है अंडर ग्राम सभा, ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स, इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर टू इम्प्रूव एंड अप्रूव द एनुअल बजट और रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऊपर तक जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, फ्यू ग्राम पंचायत को ज्वाइन करेंगे तो समिति बनता है, ब्लॉक कहते हैं, और ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे तो आगे समिति, इसको ज्वाइन करेंगे तो आगे जिला बनता है, आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट। तो दोबारा सुनते हैं, जब हम अपने गांव की पंचायत को ऐड करते हैं, बहुत सारे गांव ऐड होंगे तो बन के पंचायत समिति बनेगी और ब्लॉक बनेगा, जब सारे ब्लॉक्स ऐड होते हैं तो जिला बनता है, जिला मींस जिला परिषद मींस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सो दैट वे मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा के एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। तो वहाँ के एमपी एमएलए इनके मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ, और जो उसका चेयरपर्सन होता है शहरों में उसको मेयर कहते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग जिला परिषद के चेयरपर्सन कहते हैं। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज ऑल्सो, आई टोल्ड यू म्यूनसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स एंड जो बिग सिटी होती है वहाँ पे हम, तो छोटे टाउन्स की बात करें तो हम उधर म्यूनसिपैलिटी कहते हैं, और बड़ी सिटी हो लाइक दिल्ली में बात करें तो हम वहां पे कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। वो भी आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी, और हमारे दिल्ली वगैरह में उसको मेयर कहते हैं। और काउंसलर्स होते हैं जो जीतते हैं इलेक्शंस में, काउंसलर होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं और उनका हेड होता है मेयर। ये अच्छा सिस्टम है, न्यू लोकल गवर्नमेंट का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है पूरी डेमोक्रेसी में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है ऐसा। देर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। कितनी कंट्रियों की तो पॉपुलेशन 36 लाख नहीं होती, हमारे रिप्रेजेंटेटिव 36 लाख हैं ऑल ओवर द कंट्री। द नंबर इज द बिगेस्ट देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज एज आई सेड। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन द डेमोक्रेसी, यस डेमोक्रेसी और डीपन हो गई है, फेडरलिज्म और इफेक्टिव हो गया है जब से 1992 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसको पावर्स दे दी है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है, एससी एसटी का बढ़ गया है, पर कुछ डिफिकल्टीज हैं। हालांकि इलेक्शंस रेगुलरली हो रहे हैं, ग्राम सभा नहीं हो रही है रेगुलरली, उनको चेक नहीं किया जा रहा है। और जितनी पावर हमें ट्रांसफर करनी थी स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट को, उतनी पावर ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो कई बार पंचायत के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सो वी कैन से दिस स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, अगर हमें ग्राउंड लेवल पे ठीक से काम करना है तो यस वी स्टिल हैव टू डू लॉट ऑफ टास्क हैज टू बी डन।
कि उसको और इफेक्टिव बनाया जाए, हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। तो स्टूडेंट्स, आपने अब जाना इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, जो जहाँ पे पावर एक के हाथ में नहीं है, जस्ट लाइक चाइना एंड ऑल, वहाँ पे एक के हाथ में पावर नहीं है, यहाँ पे पावर हर लेवल पे डिवाइडेड है। आपने खुद देखा होगा ड्यूरिंग द वायरस, राइट नाउ स्टेट्स ऑल्सो हैव बीन गिवन पावर, कंटेनमेंट जोन स्टेट बना रही है, स्टेट के अपने रूल्स हैं, हालांकि सेंटर ने गाइडलाइंस दी हैं, पर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अभी आपने वायरस में आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आप देखिए कि स्टेट ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, स्टेट के अपने रूल्स हैं, कुछ स्टेट्स ने कुछ चीज़ें नहीं खोली हैं और कुछ स्टेट्स ने कुछ चीज़ें खोल दी हैं, तो यहाँ से बदलता है कि स्टेट के पास भी पूरी पावर है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म। सो हेयर वी एंड दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, वील बी सून कमिंग अप विद द नेक्स्ट चैप्टर, टेक केयर, बी हेल्दी, गॉड ब्लेस यू।